मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर ट्रक की चपेट में आने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। हादसा आज दोपहर के वक्त में हुआ है। मृतक महिला का नाम बामनी बाई राठौर 40 से 42 वर्ष बताया जा रहा है। ये महिला बाइक पर पीछे बैठी थी और बाइक इसका लड़का सीतू राठौर चला रहा था। ये थाने के कोलसेद इलाके के रहने वाले हैं और इनके एक रिलेटिव वसंत पवार ने बताया कि सीतू राठौर के साथ बामनी बाई राठौर ये किसी काम के ताल्लुक से शील फाटा इलाके में आए हुए थे, मगर वापस लौटते समय सम्राट नगर हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे मुमरा बाईपास पर पीछे से आ रहे ट्रक ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दिया और पीछे बैठी महिला बामनी बाई राठौर पहिए के नीचे आ गई और घटनास्थल पर ही इनकी मौत हो गई है। लड़का सीतू राठौर इसके हाथ में काफ़ी चोट लगी है, ऐसा बताया जा रहा है कि हाथ फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन जिस ट्रक से हादसा हुआ वो ट्रक वाला मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज दिलीप पाटिल भी पहुंच गए और घायल अवस्था में सीतू राठौर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मृतक महिला के शव को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसे शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? बसंत पवार। ये जिनका डेथ हुआ इनका क्या नाम है? बावनी भाई। और एक आदमी कोई घायल हुआ है ना? उसका लड़का है। क्या नाम है उनका? उसका सीतू। अच्छा, कैसे ये कहाँ गए थे ये लोग? ये सिलफाट अपना कल्याण फाटा गया था। कहाँ रहने वाले हैं आप? वो कोलसेट में रहने वाले। कोलसेट में ये आपके ही परिवार? मेरा ही परिवार है। कितने बजे हादसा हुआ? अभी हुआ बोलते हैं, मैं जस्ट फोन आया मेरा चाचा का, इतने में मैं ताबड़ तो बड़ी तरह थाने कोलसेट थाने कोलसेट बाइक से। ये बाइक है क्या? ये बाइक है, वो उधर से चला, वो बोल रहा है ट्रक वाला पीछे वाला आके ठोक दिया करके, पीछे से टक्कर मारा ट्रक वाला है। अब गया, भाग गया वो। तो अभी जिनको हॉस्पिटल लेके गए हैं उनका हालत कैसा है? वो हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर हुआ है।